वेलकम टू पेबल्स। चलिए आज बात करते हैं पेंटिंग्स की। वास्तु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेंटिंग्स। सभी को अपने घर में शो पीसेस, पेंटिंग्स, बहुत सारी अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स लगाना बहुत पसंद है। इससे घर की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ में वास्तु भी अच्छा होता है। वैसे भी आजकल की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको अपने घर को डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आता है और वास्तु का क्रेज़ भी बहुत बढ़ रहा है। लोग वास्तु की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने लगे हैं। तो क्यों ना अपनी पेंटिंग्स को इस तरीके से परचेज किया जाए, इस तरीके से लगाया जाए कि घर सुंदर दिखने के साथ साथ लकी भी हो जाए आपके लिए। एक तीर से दो निशाने। आज बात करूंगी मैं पेंटिंग्स की, कौन सी पेंटिंग्स अच्छी होती हैं, कौन सी पेंटिंग्स बुरी होती हैं, कौन सी पेंटिंग्स किस पर्टिकुलर रीज़न के लिए आपके घर में लगनी चाहिए। पहले डायरेक्शन के हिसाब से बात करते हैं, कौन सी डायरेक्शन के लिए कौन सी पेंटिंग लाभदायक होती है, फेवरेबल होती है, और कौन सी डायरेक्शन में कौन सी पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कुबेर देवता की डायरेक्शन है। नॉर्थ और ईस्ट का जो संगम होता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्योर डायरेक्शन होती है वास्तु में। उसको सबसे ज़्यादा प्योर डायरेक्शन माना जाता है। घर से जो भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बाहर से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो इसी डायरेक्शन से आ रही है। तो इस डायरेक्शन को पायस रखना, शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो एज इट इज़ पॉजिटिव ही घर के अंदर आए। ये ना हो कि वास्तु के गड़बड़ी की वजह से वो घर में आते आते नेगेटिव बन जाए। तो नॉर्थ ईस्ट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको कौन सी पेंटिंग्स रखनी चाहिए। वाटर एलिमेंट नॉर्थ डायरेक्शन का फेवरेबल एलिमेंट है। तो आप इस जो डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में वाटर की कोई पेंटिंग रख सकते हैं। वो झरना हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेकिन याद रखिए फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर जो है वो आपकी लाइफ में भी स्टैग्नेंसी दिखाएगा, और जो फ्लोइंग वाटर है वो मूविंग ऑन वाला जो सिंबल होता है, मेटाफर होता है, वो दिखाएगा। तो फ्लोइंग वाटर सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, झरने की तस्वीर, वो पेंटिंग आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं, और नॉर्थ वॉल पे ही रखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ नॉर्थ वॉल पे अगर आप, ऑल्दो हम बात तो पेंटिंग्स की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ में वाटर एलिमेंट को ही रख दें, आप कोई फाउंटेन रख दें, या फिर आप पानी पीने का जग रख दें नॉर्थ में, तो ये और भी अच्छा होगा, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ जो है वो वाटर का डायरेक्शन है। अब बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट में आप क्या रख सकते हैं। तो ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सूर्य देवता की डायरेक्शन है, यहीं से सनराइज होता है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर सन की पिक्चर लगा सकते हैं, स्पेशली ऐसे सन की जो राइज हो रहा है, जो एकदम उगता हुआ सूर्य है, जो सन गॉड है, सन के जो सिंबल है सन गॉड, आप उनकी भी फोटो लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। आप उसको हर रोज कुमकुम लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप फर्क अपने आप दिखेंगे, ईस्ट डायरेक्शन से एनर्जी आएगी आपके घर में, लोग हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और नॉर्थ डायरेक्शन में एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फोटो आप लगा सकते हैं वो है करेंसी की पिक्चर। जैसे कि इंडियन करेंसी में सबसे बड़ा जो नोट है वो है 2000 का नोट, तो उस नोट को आप फ्रेम करा लीजिए, और उसके साथ साथ हो सके तो कुबेर देवता की भी एक पिक्चर लगा दीजिए। दोनों जो फोटोज़ हैं वो एक ही फ्रेम में लगवा के आप नॉर्थ में लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये फाइनेंसेस के लिए, आपके फाइनेंसेस हमेशा स्टेबल रहे, आपके पास हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से धन आता रहे, आपको पैसों की कभी दिक्कत ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी उपाय है इस पेंटिंग का यूज़ करके आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को फेवरेबल बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल आप US में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है सबसे बड़ी करेंसी उसका आप फ्रेम करा कर अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन है हनुमान जी की डायरेक्शन। यहाँ पे आप हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए, लेकिन ये कोई भी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, इसमें उड़ते हुए हनुमान जी होने चाहिए जिन्होंने अपने हाथ पर पर्वत उठाया हो। ऐसा ही पिक्चर आपको लेना है हनुमान जी का, साउथ डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन साउथ डायरेक्शन की जो नॉर्थ वॉल है वहाँ पे आपको ये फ़ोटो लगाना है, और किसी भी साइड की वॉल पे नहीं लगाना है। साउथ डायरेक्शन की नॉर्थ वॉल पे आप हनुमान जी की पिक्चर लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि साउथ जो डायरेक्शन है वो फेम और प्रेस्टीज का डायरेक्शन है। सोसाइटी में आपका कितना नाम है वो साउथ डायरेक्शन से हमेशा पता चलता है। तो हनुमान जी जो हैं वो आप लगाइए साउथ में, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट जो है वो है शनि की डायरेक्शन। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि ग्रह की डायरेक्शन है। आप यहाँ पर इस डायरेक्शन का कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपका अपना घर नहीं है, आप रेंट के फ्लैट में रहते हैं और बहुत सालों से आपकी इच्छा है खुद का घर बनाना, तो अपने जो सपनों का घर है या उससे मिलता जुलता जैसा भी आप अपना घर इमेजिन करते हैं उसकी एक फ़ोटो वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट वॉल पर लगाइए, आपका सपनों का घर ज़रूर बनेगा। उसके साथ साथ आप वेस्ट डायरेक्शन में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन उस पिक्चर में लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर पर बैठी हों, ये आप फ़ोटो अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रूम्स की, आपके घर के जो स्पेसिफाइड रूम्स हैं उनकी बात करते हैं, कौन से रूम में कौन सी फ़ोटो लगाई जा सकती है। हम सबको पता है कि घर में पेंटिंग्स का होना कितना ज़रूरी है, बिना पेंटिंग्स के घर बहुत सोना सोना सा लगता है। तो किचन से स्टार्ट करते हैं, अगर आप किचन में कोई पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो वो अन्नपूर्णा देवी की ही होनी चाहिए। आप अन्नपूर्णा देवी की जब पेंटिंग लगाते हैं तो आपका किचन हमेशा भरा रहता है, हमेशा एबंडेंस जो है, यूनिवर्स जो एबंडेंस दे रहा है वो आपके घर में आता रहता है, आप उसको रिसीव करते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी किचन अग्नेय कोण में नहीं है, अग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी किचन नहीं है, तो फिर आपकी किचन में फ़ोटो होनी चाहिए ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों की फ़ोटो होनी चाहिए जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है किचन। तो अगर किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, जो कि किचन का डायरेक्शन होता है, किचन आपकी साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए, तो आप अन्नपूर्णा देवी की फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेडरूम की। अगर किसी मैरिड कपल का बेडरूम है तो वहाँ पर आप फ़ोटो लगा सकते हैं राधा कृष्ण की। लेकिन अगर आपको किसी तरीके का वहम आता है, क्योंकि वो भगवान हैं उनकी फ़ोटो लगाने में, तो आप लव बर्ड्स की भी फ़ोटो लगा सकते हैं या लव बर्ड्स का शोपीस रख सकते हैं। इससे हमेशा जो कपल है उनमें प्यार बना रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके हस्बैंड में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, आपके हस्बैंड आपसे बहुत इरिटेटेड रहते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। जब वो जब ऑफिस से घर लौटें, तो उसके थोड़ी देर पहले अपने जो बेडरूम है उसमें गूगल की धूप कर दीजिए। गूगल की धूप जो है वो अपने बेडरूम में थोड़ी सी फैला दीजिए। आप देखेंगे आपके और आपके हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा पहले से। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस रूम की। बच्चों का रूम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा चाहते हैं, वो चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, उनके बच्चों की पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उनके बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर्स हमेशा ऑन पॉइंट रहने चाहिए, उनकी स्टडीज़ हमेशा ऑन पॉइंट रहनी चाहिए। तो बच्चों के रूम में सबसे अच्छी, सबसे लकी जो पिक्चर होती है वो होती है डॉल्फिन का पैर। दो डॉल्फिन्स जो एक जैसे दिखती हों, दो डॉल्फिन्स को एक ही फ्रेम में जब वो हों, ऐसी एक पेंटिंग आप लेकर आइए, हो सके तो बड़ी पेंटिंग लेकर आइए, और वो अपने बच्चों के चिल्ड्रन रूम में लगाइए। जहाँ पे भी अगर वो पढ़ते हैं, स्टडी टेबल जहाँ पर भी है उसके सामने लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा।
अब बात करते हैं फैमिली पिक्चर्स की. फैमिली पिक्चर्स हम सभी को लगाना बहुत पसंद है. आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि आपकी एनिवर्सरी है तो आप अपने घर में किसी को फैमिली पिक्चर गिफ्ट करते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करके, उसको क्रिएटिवली उसका कोई गिफ्ट बना के आप उसको गिफ्ट करते हैं. किसी का बर्थडे है तब आप उनको पिक्चर्स गिफ्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो पिक्चर्स दीवार पर हैंग हो जाती है. तो सबसे पहला तो जो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी वो ये है कि फैमिली पिक्चर्स घर में जितनी कम हो उतना ही अच्छा है. कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए फैमिली पिक्चर्स? डोर्स पे, अलमीरास पे, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है उसको हटाता है. क्योंकि डोर्स और अलमीरास हमेशा मूव करते रहते हैं, तो आपकी फैमिली पिक्चर्स होंगी तो वॉल्स पे होंगी, नहीं तो वो नहीं होंगी. अलमीराज और डोर्स पर कभी भी नहीं होनी चाहिए. बेस्ट डायरेक्शन जो है फैमिली पिक्चर्स के लिए वो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट. सबसे प्योर डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर भगवान की भी फोटोज़ लगती हैं वहाँ पर आपकी फैमिली पिक्चर्स हों तो बेस्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं घर के ऐसे पूर्वजों की जो अब नहीं रहे, उनकी भी फोटोज़ कुछ लोग लगाते हैं घर पर, वो कहाँ होनी चाहिए? उसका सिर्फ एक डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट के अलावा आपके घर के जो पूर्वज हैं जो अब नहीं रहे, उनकी फोटोज़ घर में और कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगानी है, सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगानी है. इसको लगाने में कोई हानि नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगा सकते हैं. और कौन सी पिक्चर्स है जो घर के लिए अच्छी होती हैं? मैंने आपको बताया वाटरफॉल बहुत अच्छा है नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना. पानी का जो एलिमेंट है, पानी जो एलिमेंट है वो नॉर्थ का एलिमेंट है. उसके साथ साथ आप अपने घर में फ्लोटिंग बतख या हंस की भी फोटो लगा सकते हैं. वो तैरते हुए होने चाहिए, ये भी बहुत शुभ माना जाता है, बहुत लकी माना जाता है. आप अपने ड्राइंग रूम में, हॉल में, जहाँ पर लोग आपके विजिटर्स आते हैं, एक बड़ी सी सुंदर सी तैरते हुए बतख और हंस की फ़ोटो लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. और फोटोज़ कौन सी हैं जो रख सकते हैं? ये तो कुछ मैंने घर की बात की. एक ऐसी फ़ोटो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के ऑफिस में पाई जाती है, सात घोड़ों की तस्वीर. क्यों रखते हैं कुछ लोग सात घोड़ों की तस्वीर? सेवन हॉर्सेस की जो फोटो है वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि हॉर्स जो एनिमल है वो कभी थकता नहीं है, बहुत ही एनर्जेटिक एनिमल होता है. वो हमेशा अपने आप को रिचार्ज करता रहता है, हर कुछ कुछ मिनटों में ही वो अपने आप को रिचार्ज करता रहता है. पुराने ज़माने में राजा महाराजा या जो भी लोग होते थे वो इतना इतना डिस्टेंस हॉर्स के ऊपर बैठकर कवर करते थे क्योंकि हॉर्स कभी थकता नहीं है. तो वैसे ही अगर एनर्जी और मोटिवेशन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप सात घोड़ों की तस्वीर अपने ऑफिस में, अपने घर में भी लगा सकते हैं लेकिन ऑफिस में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है. आप में एनर्जी आएगी, मोटिवेशन आएगा और घर में भी लगा सकते हैं. जो सेवन नंबर है ये बहुत लकी नंबर माना जाता है. सेवन ही डेज होते हैं वीक के, सात रंग होते हैं रेनबो में, सात ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं, तो सेवन नंबर बहुत लकी होता है. सेवन हॉर्सेस की पेंटिंग अपने घर पर ज़रूर लगाइए. अब इस पेंटिंग को लगाने की डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है एज लॉन्ग एज वो सेवन हॉर्सेस आपके घर के अंदर फेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डोर है और यहाँ पर एक वॉल है, तो अगर आपने यहाँ पे उस फोटो को लगाया तो सात घोड़े जिस तरफ देख रहे हैं वो अंदर की तरफ देखने चाहिए, घर के अंदर की तरफ देखने चाहिए, डोर की तरफ नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि सारी एनर्जी और मोटिवेशन घर के बाहर जा रही है. तो घोड़े जो हैं वो घर के अंदर की तरफ देखने चाहिए, सब एक ही डायरेक्शन में देखने चाहिए. वो सब रनिंग घोड़े होने चाहिए, बैठे हुए या खड़े हुए घोड़े नहीं होने चाहिए. उसमें अगर धूल मिट्टी उड़ रही है, पीछे से सनराइज आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है. अगर आप ऐसी पेंटिंग ले पाए तो ज़रूर ले. सात घोड़ों की पेंटिंग घर में लगाना बहुत लकी होता है. अगर आपको उसमें पीछे सनराइज भी मिल जाए तो और भी बहुत लकी होता है. तो ये हमने कुछ बात की कैसी पेंटिंग्स घर पर होनी चाहिए. अब कैसी पेंटिंग्स घर पर नहीं होनी चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये है कि घर पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए.
जो भी चीज़ें जिसका आप मीनिंग नहीं जानते, जिसको आप देखकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये इस चीज़ की पेंटिंग है, ऐसी कोई पेंटिंग आप घर पर मत रखिए, ये आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, आपका जो क्लैरिटी है माइंड का वो आपसे दूर जाएगा। तो पेंटिंग्स हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आप देखते ही बता दें कि ये इस चीज़ की पेंटिंग है। उसके साथ साथ दुखी महिला या फिर वायलेंस की, वॉर की या फिर न्यूडिटी की, ये सब जो फोटोज़ होती हैं जिनको लोग आर्टिस्टिक मानते हैं, आप उनको आर्ट गैलरी में ही देखकर आएं तो अच्छा है, उसको अपने घर पर नहीं लगाइए, बिल्कुल भी मत लगाइए, इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहने लग जाती हैं। पेंटिंग्स हमेशा मीनिंगफुल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी पेंटिंग घर पर क्यों लगाई है, वो आपको क्या मैसेज दे रही है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, दुखी महिलाओं की पेंटिंग्स, रोती हुई लोगों की पेंटिंग्स घर पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग उसको स्टाइल के लिए लगा देते हैं लेकिन वो नहीं होना चाहिए। तो ये हुई पेंटिंग्स की बात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद आप अपने घर में पेंटिंग्स हमेशा समझदारी से लगाएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप भी अपना क्वेश्चन भेजिए, ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू।